हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको थाल पोस्ट बनाना सिखा रही हूँ, जो मैंने दो कलर के ऊन से बनाया है। और ये क्रोशिया मैंने लिया है 3.0 mm का। तो फ्रेंड्स, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा हैवी और बड़ा भी है, तो इसे आसानी से बनाएं आप। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थाल पोस्ट का बेस बनाएंगे, एक मैजिक रिंग बना लेंगे। फिर एक, दो, तीन, तीन ये हो गया हमारा। इसके बाद हम एक चेन लेंगे इसको मुड़ने के लिए। फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो तीन चेन है, इन्हें भी हम डबल क्रोशिया में ही गिनेंगे, इस तरह से होगा। फिर एक चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 12 मैंने बना लिया है यहाँ। अब यहाँ तीसरे वाले चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से, और जो नीचे है इसे खींच लेंगे। तो इस तरह से हमारा सर्किल रेडी हो गया। उसके बाद इस धागे को हम यहाँ बांध देंगे अच्छे से। फिर यहाँ हम एक, दो, तीन, इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो दो हमने बनाए, पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दो हुए। फिर हम एक चेन बना लेंगे यहाँ। फिर ये दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, उसके बाद एक और इसी में बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी में बनाएंगे एक और। तो ये वाला राउंड इसी तरह से हम पूरा करेंगे, पहले एक फिर दो। तो यहाँ दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हम ये फर्स्ट वाले में आके यहाँ तीसरे में स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ इस तरह से। उसके बाद में एक, दो, तीन, पहले में हो गया। फिर दूसरे में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ एक और। तो यहाँ से हमारा ये तीन हो गया। फिर हम मैं दो करके बनाऊंगी यहाँ, दो चेन लूंगी। आप चाहें तो एक भी ले लें, ताकि उसका जो होल है वो थोड़ा छोटा होगा, पर मैंने दो का बनाया है इसलिए मैं दो में आपको दिखा रही हूँ। फिर सेकंड वाले में दो, यहाँ दो चेन ले लें इस तरह से, ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ मैंने एक रेडी रखा है अपना। पहले मैंने एक बनाया, फिर मैंने यहाँ दो बनाया, एक चेन लिया। फिर इसके बाद तीन बनाए, यहाँ दो चेन लिया, तो मैंने दो लिया है। आप चाहें तो सिंगल चेन भी बनाए तो थोड़ा सा होल कम होगा, पर मुझे इसमें ज़्यादा होल रखना था इसलिए मैंने बीच में दो दो चेन लिया है। तो पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। दस राउंड मैंने इस तरह से बनाया है, लेकिन मैंने हमेशा एक ही साइड से यहाँ बनाया है, इस लास्ट वाले से। देखिए, पहले यहाँ था, फिर इसमें हुआ, फिर इसमें मैंने दो बनाया, इसको सिंगल रखा, फिर यहाँ दो सिंगल रखा, इसमें दो बढ़ाया, फिर यहाँ तीन रखा, इसमें दो बढ़ाया। एक किनारे से बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। मैंने इस साइड से बढ़ाया। उसके बाद मैंने एक राउंड पूरा सिंगल क्रोशिया बनाया है। और इस जहाँ खाली जगह है, जब आपका एक सिंगल चेन रहेगा तो आप एक सिंगल क्रोशिया इसमें बुनेंगे। मैंने यहाँ दो बार बुना है,
ये पूरा इस तरह से पहले बना लें, फिर बाद की डिज़ाइन में दिखाऊँ। तो ये कंप्लीट होने के बाद ये सिंगल क्रोशिया का एक राउंड आप बनाएंगे। इस तरह से यहाँ एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हम यहाँ तीन चेन लेंगे, एक दो तीन। फिर यहाँ से हमने फंदा लिया और यहाँ से एक दो तीन छोड़ के हम यहाँ चौथे चेन में एक इस तरह से डबल क्रोशिया बुनेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से एक दो तीन और फिर इसी होल में हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से हम एक फंदा लेंगे और फिर यहाँ से एक दो तीन, तीन छोड़ के हम चौथे में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर यहाँ से एक दो तीन, फिर इसी होल में हम एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो ये हमारा वी शेप आ रहा है इस तरह से। फिर यहाँ से हम फंदा लेंगे और यहाँ से तीन के बाद यहाँ चार में, या आप अंदाजन भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तीन का एक रखें, बस ये खींचना नहीं चाहिए। फिर यहाँ से एक दो तीन और सेम जगह हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से फंदा लेंगे, फिर एक दो तीन छोड़ के यहाँ चौथे में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, सेम जगह वापस से डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड बनाएंगे। बस ये देखते रहें कि ये हमारा लूज़ हो के ऐसे ना हो और ना एकदम खिंच जाए। देखिए इतने आराम से बैठ रहा। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने किया उसी तरीके से, आप दो भी रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं और भी रख सकते हैं। तो इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करें। तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब मैं लास्ट का दिखा रही हूँ। यहाँ से शुरू किया था मैंने और यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हम आएंगे यहाँ, इसमें से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ। फिर यहाँ से तीन चेन बनाएंगे और यहाँ हम फर्स्ट वाले में यहाँ लाके इसमें जोड़ देंगे और ये इस तरह से। फिर एक चेन बना के हम धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारा एक राउंड अच्छे से कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं दूसरा धागा लगाऊंगी। सबसे पहले एक नॉट बना लें, यानी एक फंदा डाल लें, गांठ लगा लें। तो मैं अब नया फंदा लगाऊंगी। आप कहीं से भी लगा सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि इस वाले में से नहीं, नीचे वाले के भी शेप से करना। यहाँ से हम लिए धागे को ऊपर करके रखें और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम सीधे यहाँ से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो। तो हमारे दो डबल क्रोशिया हुए। इसके बाद हम तीन बनाएंगे और चार। इस राउंड में हम इसमें चार यहाँ बनाएं, फिर इसके बाद इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएं, फिर नेक्स्ट में चले आए और यहाँ भी एक दो तीन चार।
फिर हम इसमें इस वाले वी शेप में आएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम चार चार का डिज़ाइन यहाँ बनाएंगे और पूरा राउंड हम चार चार कर ले जाएंगे। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब मैं यहाँ ला के इसको इसमें जोड़ के और यहाँ स्लिप स्टिच करके एक चेन बना के मैं कट कर दूँगी धागा। तो हमारा राउंड इस तरह से कंप्लीट हुआ। इसके बाद में यहाँ एक सफ़ेद धागा डालूँगी। इसके बाद वापस से तो हम यहाँ इस जगह से धागा लगाएंगे। एक दो तीन, तीन चेन हमने बुना। उसके बाद हम यहाँ से एक दो इस तरह से हम सॉरी हम चार चेन लेंगे इस बार और फिर हम इस जगह से पहले एक निकालेंगे फिर दो निकालेंगे फिर तीन इस तरह से बनाएं। फिर यहाँ से हम तीन चेन लेंगे और उसके बाद हम इसमें वापस बुनेंगे। पहले एक बार बुनेंगे फिर दो बार और फिर तीन बार। तो इस तरह से शुरू हुआ ये हमारा। फिर हम फंदा लेंगे और यहाँ आएंगे। फिर यहाँ पहले एक बुनेंगे फिर दो बुनेंगे फिर तीन बुनेंगे। फिर एक दो तीन चेन फिर इस होल में बुनेंगे। पहले एक फिर दो फिर तीन फिर फंदा लेंगे हम और फिर हम इस जगह आएंगे। फिर यहाँ हम एक दो एक दो तीन फिर यहाँ तीन चेन लें सेम जगह में यहाँ 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 से पहले एक फिर दो फिर तीन इस तरह से बुने और एक बार देख भी लें कि टाइट तो नहीं हो रहा हमारा। टाइट हो तो ये चेन को चार बार कर दें। अगर आपके बुनाई में टाइट हो तो ये जो मैंने बेस बनाया इसके ऊपर इस चेन को चार बार कर देंगे तो इसका जगह क्लियर हो जाएगा। मेरा तीन में ही ठीक से आ जा रहा है तो मैं रख रही हूँ क्योंकि हर किसी के चेन लेने का तरीका अलग होता है तो नहीं हो पाता। तो मैं अभी इसमें तीन बना रही हूँ। उसके बाद मैं फिर इसमें ये वाला बनाऊंगी ये डिज़ाइन इसमें पांच बार बनाऊंगी। फिर इसके ऊपर फिर वी शेप जब बनाऊंगी तो उसमें छह बनाऊंगी। इसी तरह से हमारा ये डिज़ाइन आगे बढ़ता रहेगा। मैं अगले दो राउंड भी आपको दिखा दूंगी। ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ मैं जोड़ना दिखा रही हूँ। यहाँ से ले लें फंदा इस जगह से इस तरह से बुने फिर यहाँ से एक दो तीन। इसके बाद इसमें हम आके स्लिप स्टिच कर देंगे एक चेन बना के कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा ये राउंड बन गया।
फिर मैं नया धागा लगाऊंगी, कहीं से भी आप लगा सकते हैं यहाँ से। ऊपर वाले वी शेप से लगाएं, सिंगल क्रोशिया बनाएं, इस धागे को इसमें पकड़ लें, उसके बाद फंदा लें और इसमें डबल क्रोशिया बनाएं, एक दो तीन चार पांच इसके बाद इसमें हम आएंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये रेडी हुआ। फिर इसके बाद इस बगल वाले में आएंगे हम, एक दो तीन चार पांच। फिर यहाँ आके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये हमारा पूरा लाइन ये चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम ये बनाएंगे और एक लाइन हम और ले जाएंगे, और आपको जितना मन करे उतना ले जाइए। ये वाला मैं बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा बिग बनाना है। नेक्स्ट में ट्रिपल, जैसे पहले मैंने डबल क्रोशिया बनाया था, फिर दूसरे तरीके से डबल क्रोशिया बनाया, इस बार मैं यहाँ ट्रिपल क्रोशिया में इसको यूज करूँगी ऊपर का। ये सेकेंड लाइन मैंने इस तरह की पूरी की है। उसके बाद मैंने यहाँ से सेम जैसे मैं यहाँ बनाती हूँ उसी तरीके से, बस ये क्या है, पहले मैं तीन चेन बनाती हूँ, इसमें मैंने चार चेन बनाया है, और ये वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है वह मैं दिखा दे रही हूँ किस तरह से। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, और इसके ऊपर जो भी यहाँ बनाना है इसमें, तो मैंने इसमें पहले चार डबल क्रोशिया बनाया है, फिर इसमें पाँच है, और इसमें मैं छः बनाऊँगी, पूरा राउंड छः डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अभी मैं यहाँ ट्रिपल क्रोशिया दिखा दे रही हूँ आपको, और इस बीच में मैं चार चेन लूँगी, एक दो तीन चार, क्योंकि हम दोनों राउंड में तीन तीन चेन लिए हैं, दो बार लूप लेंगे सेम जगह से, एक दो तीन, फिर यहाँ दो बार लूप लेंगे और इसमें आएंगे यहाँ, एक दो तीन, फिर यहाँ चार चेन, एक दो तीन चार, फिर यहाँ दो लूप लेंगे और इसी में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड पहले कंप्लीट कर लें ये वाला, इस तरह से। इसके बाद ये पांच का यहाँ छह बनाते हुए चले जाएं, और यहाँ लाके चौथी चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ से चार चेन, फिर यहाँ ला के स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह से ये हमारा कंप्लीट होगा, और मैं यहाँ एक सिंगल राउंड का डबल क्रोशिया इस कलर से बना के यहाँ लगा दूंगी। आप चाहे तो फ्लावर या कोई भी चीज़ लगा दें, कोई अलग कलर का भी फ्लावर लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है।